राधा अष्टमी के दिन राधा रानी खुद सास बहू और बेटिया में आपसे मिलने आ जाएगी, आपको बिल्कुल पता नहीं था ना? मिल गया ना, वो क्या कहते हैं, बहुत ही खूबसूरत सरप्राइज। इसी बात पर लेकर आई है राधा रानी आपके लिए एक और बहुत ही खूबसूरत सरप्राइज। स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आज गोयनका परिवार मना रहा है तीज का त्योहार, जहां घर की सारी लेडीज तीज के रंग में रंगी हुई हैं, तो वहीं कार्तिक बाबू की नजर वेदिका पर नहीं बल्कि नायरा पर है, क्योंकि वो सुबह से ही नायरा को तीज त्योहार की याद दिलाते आ रहे थे। और जब नायरा के हाथों में वो खाने का निवाला देखते हैं तो कार्तिक बाबू गलतफहमी का शिकार बन जाते हैं। तीज का फास्ट नेक्स्ट डे तीज है और थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है घर पे सबको, ये करे तो क्या करे, एंड द एंटायर हाउस इज ऑन फायर राइट नाउ, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है। कार्तिक को अलग ही कन्फ्यूजन होने, समझ में नहीं आ रहा है कि नायरा ने उनके लिए व्रत रखा भी है या नहीं। अपने आप में थोड़े से वो उलझ जाते हैं, बाद में खुद थोड़ा सा स्पाई करते हैं नायरा पे, और उन्हें पता, उन्हें ऐसा लगता है कि नायरा ने व्रत नहीं रखा, क्योंकि जो नायरा है उनके हाथ में एक निवाला होता है खाने का, पर वो बच्चों को खिला रही होती है, ये वो नहीं देख पाते। तो ये फील समवेयर कि नायरा ने व्रत नहीं रखा, जबकि वो बार बार एक रात पहले नायरा को याद दिला रहे होते हैं, बार बार याद दिलाते हैं कि आज तीज है, तीज है, तीज है। नायरा थोड़ी चिल्ला उठती है उन पे कि बस बस कितना याद दिलाओगे। सो दैट होल थिंग इज हैपनिंग द अदर साइड। ऑब्वियसली वेदिका जो है शी इज़ जस्ट मैरिड और उनके हस्बैंड के लिए उन्होंने, कार्तिक के लिए उन्होंने लाइफ की पहली तीज रखी है, तो शी इज़ गोइंग थ्रू डिफरेंट इमोशन, एक इमोशनल ट्रॉमा चल रहा है उनका, क्योंकि उनकी उनके हस्बैंड की जो फर्स्ट वाइफ थी जो उन्हें लगा था कि गुजर गई, वो वापस आ गई है एक बच्चे के साथ। शी इज़ गोइंग थ्रू डिफरेंट इमोशनल ट्रॉमा ऑल टुगेदर, और कहीं ना कहीं आई थिंक वो जो स्ट्रेस उन्होंने ले लिया है वो एक वजह है कि वो बेहोश हो जाती है वेदिका, एंड डॉक्टर्स कहते हैं कि वो व्रत नहीं रख सकते, शी नीड्स टू ईट समथिंग, शी नीड्स टू हैव अ मेडिसिन। तो वो सब ड्रामा इस वक्त हो रहा है तीज पर। एक बहुत ही प्यारा सा सीन है जहाँ वो बच्चा, बिकॉज ही इज नेवर सीन हिज पेरेंट्स टुगेदर, पहली बार वो देख रहा है कि उनके मॉम डैड साथ में हैं, तो जो भी फेस्टिवल्स उसने हमेशा अकेले देखे हैं, वो पहली बार उससे ऐसा है कि मेरे पेरेंट्स वो मिल के वो फेस्टिवल सेलिब्रेट करें, चाहे जन्माष्टमी हो जिसमें एस कृष्णा उनका आना हुआ, या ये हो जहाँ पर वो अपनी मॉम के हाथ में अपने फादर का नाम लिख रहे हैं। तो ऑल दोज थिंग्स फॉर द किड, यू नो, 5 साल का बच्चा है और उसके लिए नहीं है, इट्स एवरीथिंग इज़ न्यू फॉर हिम, द हाउस, द पीपल, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को उसमें इंडल्ज कर रहा है, और यू सी दैट हैप्पीनेस, द एक्साइटमेंट इन द किड, और वो एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस की वजह से और ज़्यादा ऑकवर्डनेस हो गई है कार्तिक में। बस इसी बात को लेकर कार्तिक और नायरा के बीच नोकझोंक भी देखने को मिली। भाई ये रिश्ता है ही ऐसा, कभी प्यार तो कभी तकरार। तो वहीं वेदिका तीज के रंग में पूरी तरह सर से पांव तक का रंगी हुई है, जरा देखिए इनकी तीज वाली साज सजावट। तीज है इसलिए तीज का पूरा गेटअप है, जैसे कि आप देख सकते हैं तीज की सिग्निफिकेंस जो ग्रीन होता है, हमने पूरा ग्रीन 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 पहना हुआ है, एंड मेरा जो कॉम्बिनेशन है वो है ग्रीन और ब्लू का, इसलिए मेरी जितनी भी मेरी बैंगल्स और उसमें ग्रीन और ब्लू का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है मुझे, और बाकी सबके नेकलेसेस सेम है, एंड दुपट्टा है मांग टीका, कमरबंद, गले का, कान के नथनी है। वेदिका यहाँ कार्तिक के सुहागन मन अपने त्योहार में व्यस्त है, लेकिन कार्तिक का दिल तो नायरा के लिए आज भी धड़कता है। नायरा के लिए तीज का त्योहार मनाना कार्तिक के लिए उनका उनके करीब आने जैसा है। अब देखते हैं कि ये त्योहार क्या एक बार फिर बनाएगा कार्तिक और नायरा की जोड़ी। विशाल शर्मा, मुंबई आज तक।